तो शुरुआत करते हैं। हम अभ्यास दो कर रहे हैं जिसमें हम अपने द्वारा शरीर को देख रहे हैं और अपने साथ जो शरीर के साथ जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देख रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा ध्यान बाहर की ओर भी जाता है, वहाँ से जो सूचनाएं आती हैं उन पर भी हम ध्यान देते हैं, तो उस प्रोसेस को देख रहे हैं। तो हम स्टेप 5 पे पहुंचे हैं, और ये देखेंगे तो स्टेप 5 एक तरह से एक ये जो पिछले 4 स्टेप्स हैं जो हमने अभ्यास 2 के करे हैं उनका एक तरह से समेशन है। जो हमने पिछले 4 स्टेप्स में किया उस सारे को हम इधर यूज कर रहे हैं स्टेप 5 में। तो हमने इसका एक गृह कार्य दिया था कल कि जो भी हम संवेदना पढ़ रहे हैं उस पर हम ध्यान दें और देखें कि सबसे पहले पढ़ने का निर्णय भी मेरा है ना? वो पढ़ के मैं कुछ अर्थ उसको देता हूँ, और ये जो अर्थ मैंने दिया इससे तय होता है कि मैंने उसको कैसे देखा या उससे मैं प्रभावित हुआ या नहीं हुआ। इसके हिसाब से मैंने अपना कोई भाव बनाया और उससे मैं सुखी या दुखी हुआ। इतना सब मेरे अंदर हो ही रहा है, चल ही रहा है। क्षण क्षण पे कुछ अलग सूचना बाहर से आ रही हो, आ रही यानी मैं उसको पढ़ रही हूँ, इस पर ध्यान जाए। और मेरे अंदर कुछ मान्यता बनी हुई है उसके साथ ही मैं उसको पढ़ती हूँ और उस मान्यता के तहत ही कुछ अर्थ देती हूँ, और वो जो मैंने अर्थ दिया उसको वो डिसाइड करता है कि मैं कैसा भाव बनाऊंगी अपने अंदर। और ये ऐसा भाव बनाया जो मेरी सहज स्वीकृति की लाइन में नहीं है तो मैं दुखी होंगी, ऐसा भाव बनाया जो सहज स्वीकृति की लाइन में है तो मैं आराम में रहूंगी। तो अगर मैंने ऐसा भाव बनाया जो मेरी सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है तो मैं दुखी हुई, है ना? मेरे अंदर ये क्या चल रहा है, प्रतिक्रिया चल रही है, मैं दुखी हूं अपने अंदर। फिर अगर मैं चाहूं तो निर्णय पूर्वक शरीर को ये संकेत देती हूँ, फिर शरीर उस पर अमल करता है, उसका बाहर फिर एक्सप्रेशन होता है। तो कई बार हमें ये भी दिखेगा कि किसी के साथ व्यवहार में हमें कुछ ठीक नहीं लगा, हमारे अंदर बहुत कुछ चला बट हमने बाहर व्यक्त नहीं किया, तो हमें लगता सब ठीक है। क्या हुआ, हमने शरीर को ये संकेत नहीं दिया कि बाहर व्यक्त करो, तो शरीर ने बाहर व्यक्त नहीं किया। एटलीस्ट इतना हुआ कि इससे दूसरा दुखी नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा था, मेरे अंदर जो दुख था उसका क्या, उस पर भी हमारा ध्यान जाए, है ना? तो बाहर से कोई भी घटना है, दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार है या कोई भी भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ ना इंटरेक्शन हो रहा है, उसका कुछ शरीर पर प्रभाव पड़ता है।
शरीर में कोई संवेदना उठती है, इतना भर शरीर में अभी हुआ है, इसके आगे मैं टेक ओवर कर लेती हूँ, है ना। कितनी सारी संवेदनाएं आती हैं, मेरे को जो इम्पोर्टेंट उस समय लगता है मैं उस संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ती हूँ, इस पर मेरा ध्यान जाए, है ना। बहुत से लोग बहुत कुछ बोल रहे होंगे, है ना, क्लासरूम में बहुत से स्टूडेंट्स हैं। मैंने किसी एक स्टूडेंट के बारे में कुछ पर्टिकुलर मान रखा है, जब बाकी स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं तो मुझे इतना तकलीफ नहीं लगती, लेकिन जब वो पर्टिकुलर स्टूडेंट बात करता है तो मुझे लगता है ये डिसरप्ट कर रहा है, देखो क्लास को, ये मैं अर्थ दे रही हूँ, है ना। बाकी लोग बात कर रहे हैं, शायद मेरा ध्यान नहीं गया, या ध्यान गया तो मैंने एक दूसरा प्रकार का अर्थ दिया। इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ मैंने पहले भी देखा था कि ये स्टूडेंट लेट आता है, अब मैंने उसको कुछ अर्थ दे दिया अपने अंदर, ये मान लिया कि ये स्टूडेंट तो ना बेकार है, लेजी है, देर से आता है, इंटरेस्ट नहीं है, ये सब अर्थ मैंने जोड़ दिए उसके साथ। अब जब क्लासरूम में बातें हो रही हैं, दूसरे बच्चे कुछ बात कहते हैं, हो सकता है मेरे अंदर भाव नहीं बिगड़ा, लेकिन ये बच्चा जब बात करता है तो हो सकता है कि मैं अपने अंदर विरोध का भाव ले आऊं। ये क्यों हुआ? संवेदना तो वही थी, है ना, इतने सारे बच्चे बात कर रहे थे, उसका मेरे शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ रहा था, संवेदनाएं उठ रही थी बार बार, लेकिन मैंने किसी संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ा और अपनी मान्यता के साथ जोड़कर उसको कुछ अर्थ दिया, जिससे कि मैं प्रभावित हुआ और मैंने अपने अंदर विरोध का भाव बना लिया। जैसे ही मैंने विरोध का भाव बनाया, उसी क्षण ये मेरे दुख का कारण हो गया, मैं अपने अंदर दुखी हो गया। और इस पूरे प्रोसेस में जब मैं ये सब प्रतिक्रिया अपने अंदर कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, कभी कभी आवश्यकता अनुसार मैं शरीर को निर्वाह करने के लिए संकेत देता हूँ तो शरीर बाहर निर्वाह करता है, वरना तो अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने शरीर को ये संकेत नहीं दिया कि बाहर इसको व्यक्त करो तो शरीर ने नहीं किया। लेकिन मेरे दुख का क्या, मेरे अंदर तो दुख बना रहा, और हो सकता है कि ये पूरा इंसिडेंट कुछ सेकंड्स में हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दिन भर मैं उस बात से दुखी होती रही, क्योंकि मैं उसको अपने अंदर अपनी कल्पनाशीलता में चलाती रही। ऐसा भी होता है, वो जो फोर्थ केस था ना, कि अपने अंदर कुछ चल रहा है उससे भी कुछ संवेदनाएं उठती हैं, तो फिर मैंने नोटिस किया कि भाई सेशन तो क्लास तो खत्म हो गई थी सुबह, दूसरी क्लास में भी कभी कभी बीच में मुझे उस बात का ध्यान आ रहा था कि देखो फिर वो बात कर रहा था, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, वो पढ़ना ही नहीं चाहता। हम बहुत सारी चीजें उसके साथ चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं और अपने अंदर दुखी होते रहते हैं। शाम हो गई, हम घर आ गए, घर आए तो बच्चा दौड़ा दौड़ा हमारे पास आया। सुबह में जब हम गए थे काम पे तो बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, तो हमने प्यार से उसको उठा लिया, उसको प्यार किया, उसको बाय कहा और फिर निकले घर से। अब जब हम घर पहुंचे, बच्चा दौड़ा दौड़ा आया,
वही संवेदना, आंखों में वही दृश्य बना के बच्चा दौड़ा दौड़ा आ रहा है खुशी खुशी, लेकिन हमने कुछ और अर्थ दे दिया क्योंकि हमारे अंदर हम ऑलरेडी दुखी थे। हमने ये अर्थ दिया कि देखो ये मैं दुखी हूं, मेरे को और परेशान करने आ गया। तो हमने झटक दिया और कहा जाओ हटो यहां से, तंग मत करो, है ना। ये जो हमने किया बाहर उससे तो बच्चा दुखी हो ही गया, हमने दूसरे को भी दुखी कर दिया। लेकिन इवन इसके पहले जो हमारे अंदर चला, जिसकी वजह से हमने ये संकेत दिया शरीर को, उस पर हमारा ध्यान जाए। अगर मैंने ऐसी मान्यता रखी है जिसके आधार पर मैं कुछ अर्थ दे रही हूं, तो वो जो मैंने अर्थ दिया उसके बेसिस पे वो तय करेगा कि मैं प्रभावित होती हूँ या नहीं होती हूँ, अपने भाव को सही रखती हूँ या बिगाड़ती हूँ, सुखी होती हूँ या दुखी होती हूँ। तो इस पर हमारा ध्यान जाए, इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे थे। अगर आप कुछ कल जो ये सब बातों पर आपने ध्यान दिया होगा कुछ शेयर करना चाहें, कुछ आपने नोटिस किया हो दूसरे के व्यवहार में, अपने व्यवहार में, अपनी मान्यताओं पर, जो भी जहां भी ध्यान गया उसको शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। जी, नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। दीदी, ये समझना है देखिए कि कोई बहुत सारे लोग हैं, कोई मीटिंग चल रही है मान लीजिए, और उसमें कोई ऐसे बोलता है, कोई डांटता है या कुछ हो गया, तो बार बार यही घटना हो रही है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन को लेकर अपने में कुछ शंका बनती है, तो सब ऐसे ही तो मुझसे पेश आएंगे तो नहीं, ये ऐसे कुछ लगता है कि अरे इसको कुछ समझता ही नहीं है, सब ऐसे समझने लगेंगे कि इसको कुछ आता ही नहीं है, ऐसे कुछ ये जो शंका बनती है इसको कैसे समझे कि दूसरे भी मुझसे वैसे ही पेश आएंगे, दूसरे भी ठीक है एक व्यक्ति के साथ जो भी है उसको तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट दूसरे जो लोग हैं ये बार बार व्यवहार आ रहा है और उस फिर सभी लोग ऐसे ही मुझसे फिर पेश आने लगेंगे या वैसे ही फिर करेंगे, ये जो कुछ थोड़ी शंका बनती है अपने में इसको कैसे समझे दीदी। तो अभी आप अगर अपने आप से पूछें कि जो भी कोई किसी और के लिए कुछ कहता है आप ऐसे ही मान लेते हैं क्या, या आप व्यवहार में भी देखते हैं कि दूसरा कैसा है? दीदी, अभी तो कैसे हो रहा है, कोई ऐसे करता है तो हाँ उसके पीछे वो क्या चाहता है वो बात समझ में आती है, तो इतना मैं अपने में तो डिस्टर्ब नहीं हो पा हो जाती हूँ। ठीक बात है। तो हम ये देखें कि भाई दूसरे ने मेरे बारे में कुछ कहा, यही है ना आपका प्रश्न, कि दूसरा हाँ मेरे बारे में कुछ कह रहा है तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, है हाँ ना, जी दूसरों को भी लगेगा कि मैं ऐसी ही हूँ। हाँ लेकिन अगर हम इस बात से प्रभावित नहीं होते जो दूसरे ने कहा, है ना, तो क्या होगा, ये उसकी ओपिनियन है, वो ऐसा सोचता है, मैं तो नहीं बदल गई उससे, है ना। तो मैं अपनी समझ के साथ बाकी सबसे व्यवहार में पेश आऊंगी, है ना, अपने अंदर अगर स्थिर रहूंगी तो दूसरा भी मेरा सही व्यवहार देख के कुछ अपने अंदर निष्कर्ष बनाएगा कि नहीं, हाँ दीदी है ना। हाँ तो अगर मेरा ध्यान उस पर गया कि मेरी सहज स्वीकृति क्या है, मैं कौन सा भाव रखना चाहती हूँ, और मैंने अपने अंदर सही भाव रखा, तो मैं इस पूरी
बात से प्रभावित नहीं हुई, है ना। इस पर भी ध्यान जाए कि दूसरा जो कह रहा है वो समझ के साथ कह रहा है या समझ के अभाव में कह रहा है ना। तो एक बात तो ये हुई कि हम सबसे पहली बात ये कि हम प्रभावित ना हो, हम अपने अंदर स्थिर रहें, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई इसमें। दूसरे ने कुछ कह दिया है ना, हम इस डायरेक्शन में सोचने लगे, अब सब ऐसे ही सोचेंगे मेरे बारे में, अब क्या होगा, ये हम प्रभावित हो रहे हैं। हम ये देखें कि भाई उतनी ही उसकी समझ है, उस बेसिस पर उसने कुछ कहा, है ना। मैं तो नहीं बदल गई, मेरे अंदर मैं भाव स्थिर रखूं। अगर मेरे अंदर भाव स्थिर है ना, तो फिर मैं आगे के भी जो निर्णय लेती हूँ वो सही से ले पाती हूँ। अगर मैं ही डामाडोल हो गई, मेरा ही भाव बिगड़ गया, तो फिर मैं आगे क्या निर्णय लेती हूँ वो भी गलत हो जाता है कितने बार, है ना। तो सबसे पहली बात, मैं स्थिर हो जाऊं। मेरी सहज स्वीकृति तब पहले भी वही थी, अभी भी वही है ना। जो भी दूसरे ने कहा, उसके पहले भी मेरी सहज स्वीकृति संबंध के लिए थी, अभी भी संबंध के लिए है। वो देख के मैं संबंध का भाव रखूं, तो मुझे दिखेगा कि दूसरा दुखी करना नहीं चाहता, दूसरा अपने अंदर ही परेशान है, तो वो यही व्यक्त करेगा जो उसके अंदर है। तो वो दूसरे के बारे में कुछ कुछ कहेगा, गलत कहेगा, जो भी है, क्योंकि वो अपने अंदर ही दुखी है। एक बात तो ये होगी। फिर अगर मेरा भाव सही है, तो सही भाव के साथ हम जाकर उससे बात कर सकते हैं। अगर हमने उससे जाके बात करी और हमें दिखा कि वो परेशानी में है ना, और हमने उसके साथ सहानुभूति के दो शब्द भी कह दिए, तो हो सकता है हमें ये दिखेगा कि उसका हमारे प्रति जो भाव था वो बदल जाए। हो सकता है, ऐसा नहीं कि जरूरी होगा ही, उसकी समझ, उसकी परेशानी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो ना कितना उस रेडी है उसमें से बाहर आने के लिए। लेकिन हमारा सही व्यवहार जो होगा, उससे दूसरे को परेशानी तो कम से कम नहीं होगी। ये रूट अपना के फिर हम उससे बात कर सकते हैं कि देखो तुमने ऐसा कहा, मुझे दुख हुआ, है ना। इस पर हमारा भी ध्यान जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे व्यवहार में पहले कभी कोई चूक हुई हो उसके साथ, जिसकी वजह से उसका ऐसा हमारे प्रति मानना हो गया। ठीक है ये, बट अल्टीमेटली स्टार्टिंग कहाँ से होगी? मेरे अंदर मैं स्थिर हो जाऊं, मैं सही भाव रखूं, तो ही फिर मैं आगे दूसरे की भी परेशानी को देख पाऊंगी। नहीं तो मैं खुद ही प्रभावित होते जा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है दूसरा ही मेरी ना प्रॉब्लम्स का कारण है। लेकिन ये दिखे कि अर्थ तो मैं ही दे रही हूँ, भाव तो मैं ही बना रही हूँ, है ना। दूसरा क्या कर रहा है, वो तो उसकी स्थिति दिखा रहा है, दर्शा रहा है, उससे मैं क्यों प्रभावित हो जाऊं, और फिर इसके आगे काम करें। कभी कभी जी एक्सट्रीम केसेस में हमें और मैनेजमेंट और इन सब की भी मदद लेनी होती है, बट मुझे लगता है पहले तो हम अपने ऊपर काम करें, अपने से अपना व्यवहार सही रख के दूसरे को अप्रोच करें। अक्सर हम वो करते नहीं है क्योंकि अपने अंदर विरोध का भाव होता है, तो बात कर नहीं पाते, बात करने जाते हैं तो बात बिगड़ जाती है, दूसरे में भी फिर विरोध का भाव आ जाता है और वो सब चलता है। लेकिन अगर हम अपने अंदर स्थिर होके इस बात को अप्रोच करेंगे, तो हो सकता है कुछ अच्छा नतीजा निकल पाए। ठीक है ये, जी जी दीदी जी, जी इतने पे मैं काम करती हूँ, फिर पूछूंगी। तो हमने क्या अर्थ दिया
ये बात निकल कर आएगी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये स्टेप 5 को इतना इतना समय भी दिया जाता है कि हम कुछ अर्थ देते हैं, उसके बेसिस पर फिर हम अपना भाव बनाते हैं। संवेदना चाहे वही हो, लेकिन अलग-अलग लोगों के साथ हम अलग-अलग अर्थ देते हैं क्योंकि हमने दूसरे के लिए कुछ मान रखा है। दिन भर में अलग-अलग समय पर उसी मनुष्य के साथ भी हम अलग-अलग अर्थ दे देते हैं, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे ना, घर आए वही बच्चा वही भागा भागा आया, लेकिन हमने अब अर्थ दूसरा दिया और हम अपने अंदर तो दुखी थे ही, दूसरे को भी दुखी कर दिया क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी प्रतिक्रिया चल रही थी, ऑलरेडी हम विरोध में थे। ऐसा भी हम अपने लिए देख पाएंगे शायद, कभी कभी ऐसा होता है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम सजग हो जाएं कि अपने अंदर ये सब क्या चल रहा है, उसको हम देख पाएं, उसको सही कर पाएं, है ना। हमने जो भी ये मान्यताएं बनाई हुई हैं उनको देखें, ये मान्यता समझ के आधार पर है या नहीं है। हमने जो भी माना है ना, हम कुछ मानते ही हैं, जान के माना है या बिना जाने ही मान लिया है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि अपने अंदर हम सुखी रह पाते हैं, वही चीजें हो रही हैं, बाहर कुछ बदला नहीं, लेकिन मैंने अपना भाव विचार सब सही रखा, मैं सुखी रही और सुखी होते हुए मैंने बाहर दूसरे के साथ व्यवहार किया। तो सबसे पहली बात तो मैं ही सुखी हो गई, फिर जब व्यवहार करने गई तो मैं दूसरे को भी दुखी नहीं कर रही। और कोई शेयर हो तो रख सकते हैं। जी दीदी नमस्ते। नहीं, नमस्ते जी, हमेशा की तेरा आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, आ रही है। मैं बाहर चल रहा था। जी दीदी, बहुत ही सही टॉपिक चल रहा है ये स्टेप नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 2। इसमें जो 4-5 सब शब्द है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो ऐसा भी आप बताते हैं कि बाहरी संवेदना को हमने क्या अर्थ देना है, और उससे सबसे इम्पोर्टेंट ये जो चौथा या पांचवा पॉइंट है, चौथा, कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। जब भी देखो, ऑल द टाइम, हर क्षण जो हम डिसाइड कर रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो संवेदना को अर्थ देना। तो मैं कल का छोटा सा एग्जाम्पल 1 मिनट में शेयर करूंगा। अभी कल कॉलेज में 10-12 दिन के बाद हम गए, हमेशा की तरह। तो हमारा 3-3:15 बजे हमारा टी क्लब होता है, एंड नॉर्मली उसमें हम एक थोड़ा सा यूएचयू रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं। बीच में पहले था, अभी बीच में बंद हो गया था। तो आवाज, कल यूं ही, हाँ, आवाज आ रही दीदी? हाँ बार जी गया जी, हाँ जी हाँ बताइए। हाँ चलते चलते बीच में जा सकती थी। तो कल मैंने ये देखा, हमेशा की तरह, कि अभी सब लोग पूछना चालू कर देंगे, उधर क्या हुआ, आईआईटी में गए तो कैसा, अभी तो ये यूएचयू का ही भाषण देंगे, ऐसे मतलब सभी। तो लेकिन मैंने वो सब बात बिल्कुल नहीं की। प्रिंसिपल साहब ने इतना ही पूछा कि तुम्हारा टी क्लब अभी आजकल क्या चल रहा है कि बंद हो गया? तो मैंने बस हंस के यही जवाब दिया कि अभी थोड़ा सा मैं अपने आप में एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि अगर बाकी लोग सभी चाहते हैं और वो सुनना चाहते हैं तो ही मैं वो बात निकालूंगा, अदरवाइज मैं अपने आप में क्या हूं, मुझे क्या सेंसेशन लेनी है और मुझे अपने आप में कैसा रखना है, ये मेरे हाथ में। बाकी लोगों के कहने पे अगर मैं कुछ करूं तो बाहरी संवेदना का उपयोग हो गया, लेकिन मैं अपने आप में जो स्टेप नंबर 4 है इमेजिनेशन के आधार पे, या सेल्फ जो समझता है उसके आधार पे करूं तो वो अच्छा होता है। तो इसी सहारे फिर आगे का डिसाइड कर रहा हूँ, और अभी धीरे धीरे कॉलेज में भी एक अच्छा, मतलब पहले मैं सुधर जाऊं, क्योंकि हमेशा ऑल द टाइम लोग बोलते हैं कि तू हमेशा अपने ही मूड में रहता है, अपने ही इसमें। तो ठीक है, उसी हिसाब से हम दूसरों को देखें। अभी अभी आपने जो तो 2-3 बातें बताई, मैं आधे घंटे से सुन रहा हूँ, कि दूसरे की परिस्थिति देख के उसके परिस्थिति का पहले हमें आकलन करना है। अगर वो कुछ गलत बात कर रहा है तो समझ लेना है वो खुद परेशान है। जी दीदी, तो इसके सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे,
डे बाय डे आप जो भी एग्जाम्पल रखते हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और धीरे धीरे हम भी खुद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इम्प्रूव हो रहे ऐसा लग रहा है। जी दीदी, थैंक बहुत यू। बढ़िया। थैंक्स अलॉट। जी, नमस्ते। जी, थैंक्स। यही सब इस पूरे ना सेशन का वही मकसद है कि हम अपने अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान जाए और हम और क्षणों के लिए सुखी अपने अंदर रहें, और फिर हम वही व्यक्त करते हैं जो हमारे अंदर है। अगर हम परेशान हैं तो हम परेशानी व्यक्त करते हैं, दूसरे को भी परेशान करते हैं। हम सुखी हैं तो हम सुखी होकर दूसरे के बिल्कुल साथ इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल, अपनी बातों पर से अभी इतना तो समझ आ गई है सेल्फ में, मतलब सभी को, या मेरे बिहेवियर से भी सभी को पता चलता है, तो दूसरे को देख के या खुद की कंडीशन दूसरा समझ सकता है और दूसरे की कंडीशन मैं समझ सकता हूँ। जी दीदी, दी, दी, अपने आप को सुखी होकर कर। जी नमस्ते। जी थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेम बातें हो रही हैं जो उनको हम और परिस्थितियां बाहर की ना घटना के बारे में बात कर रहे थे, अब आगे नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं बाहर से कुछ ना कुछ नहीं चल रहा, मतलब वहां से कुछ जो प्रभाव है वो अभी नहीं है, लेकिन शरीर में कोई घटना चल रही है उस पर मेरा ध्यान जा रहा है। ठीक है, तो अभी उसको देखें तो हम कैसे अर्थ देते हैं। इधर शरीर में कोई घटना घटी, कुछ संवेदना उठी उससे, उसके प्रभाव से, जैसे कि हमने जब उसको पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निर्णय पूर्वक उसको पढ़ा, है ना। बहुत सी संवेदनाएं हैं शरीर में, बहुत कुछ चल रहा है शरीर के अंदर, पाचन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन हमने एक किसी संवेदना को ध्यान दे के निर्णय पूर्वक पढ़ा। यहाँ से हमारा हमारे अंदर की वो पूरी चेन शुरू हो गई, क्योंकि शरीर में तो जो भी घटना घटी उसके तहत जो भी संकेत, जो भी संवेदना उठी वो एक बात है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा निर्णय पूर्वक और मैंने अपने संस्कार के साथ जोड़कर ही उसको पढ़ा और अर्थ दिया, है ना। ये जो मेरा संस्कार है ये बिना जाने मान के बनाया हुआ है या जानने पर आधारित मान के बनाया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, देखने की बात है। उसी के बेसिस पर हम कुछ अर्थ देते हैं और फिर हम उससे प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं, भाव विचार सही रखते हैं या बिगाड़ते हैं, सुखी होते हैं या दुखी होते हैं, फिर वही पूरा प्रोसेस ना, अपने अंदर जो प्रतिक्रिया करते हैं या जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होते हैं। और इस सब के साथ कभी कभी हम शरीर को कुछ निर्वाह करने के लिए कुछ संकेत देते हैं, उन क्षणों में वो शरीर बाहर जैसा हम संकेत देते हैं वैसा करता है और उसकी बाहर अभिव्यक्ति होती है। तो अंदर का प्रोसेस देखेंगे, अपने अंदर का और जो शरीर में हो रहा है वो तो सेम ही है, चाहे बाहर की कोई घटना थी जहां से ये संवेदना उठ रही थी या शरीर में कुछ घटना घट रही थी उससे संवेदना उठ रही थी। जो भी प्रोसेस है वो तो सेम ही है, अल्टीमेटली मैं क्या अर्थ दे रही हूँ उससे तय हो रहा है कि मैं अपने अंदर क्या भाव विचार रख रही हूँ, सुखी हो रही हूँ या दुखी हो रही हूँ, एंड ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। इसी तरह अपने अंदर भी कुछ
चल रहा है, कल्पनाशीलता चल रही है मेरे अंदर, है ना। इसका भी शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, उससे भी शरीर में कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं। अभी हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता, क्योंकि सबसे पहली बात तो हम अक्सर अपने अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति ही सजग नहीं है। कभी कभी हमारा ध्यान शरीर पर ज्यादा जाता है तो हमें कुछ कुछ संवेदनाएं पढ़ने में आती हैं, फिर हमारा ध्यान जाता है कि हमारे अंदर ऐसा चल रहा था तब ये संवेदना हमने नोटिस करी। ऐसा है जैसा कि कल भी बात हो रही थी, हम किसी बात से परेशान हैं, हमारे अंदर परेशानी है, हमारे अंदर भय है, घबराहट है ना। वो ऑलरेडी चल रहा है, उसका भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है, और इसके तहत भी शरीर में कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं। अब इसमें भी कभी कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता तो हमें पता ही नहीं चलता, तो हमें लगता है कि मेरे अंदर तो कुछ चल रहा है, ठीक है उसको मैं देख सकती हूँ, लेकिन शरीर पर तो कुछ समझ में नहीं आता, तो हमारा ध्यान नहीं गया। कुछ संवेदनाएं उठ रही थी, हमारा ध्यान ही नहीं गया उन पर, है ना। तो वही सारा प्रोसेस ना, या तो मैंने जो भी अर्थ दिया वो अपने संस्कार के तहत दिया, वो संस्कार जानते हुए बना, या बिना जाने मान के कुछ हमने बना लिया, वो डिसाइड करेगा कि मैंने क्या अर्थ दिया। और फिर जो भी मैंने अर्थ दिया वो डिसाइड करेगा कि मैं प्रभावित हुआ या नहीं हुआ, और उसी के तहत फिर भाव विचार क्या बनाया, सुखी हुआ दुखी हुआ, प्रतिक्रिया किया या जिम्मेदारी पूर्वक पेश आए। और फिर कभी कभी हम शरीर को संकेत देते हैं बाहर व्यक्त करने को, वरना तो अक्सर बाहर व्यक्त ही नहीं करते, लेकिन अपने अंदर तो सुखी दुखी होते ही रहते हैं। तो दिखेगा कि शरीर में तो बहुत थोड़ा सा भाग हो रहा है, मेन जो भाग अपने अंदर चल रहा है वही तय कर रहा है कि मैं सुखी होंगी या दुखी होंगी, मेरा भाव तय कर रहा है। और भाव को देखने जाएंगे तो दिखेगा कि मेरी जो भी मान्यता है, जो भी मेरा संस्कार है, उसके तहत ही मैं भाव को बनाती हूँ। तो इसलिए संस्कार को देखना भी जरूरी है, इस पर भी हमारा ध्यान जाए। अगर इस पूरी बात में कोई प्रश्न है या कुछ शेयरिंग है तो उसको अभी ले सकते हैं। कुछ कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है तो जरूर डिस्कस करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, इससे बहुत कुछ तय होता है, मेरा सुख दुख, दूसरे के साथ मेरे संबंध, जो भी मैं अर्थ दे रही हूँ उसी के बेसिस पर मेरा व्यवहार होगा बाहर। कोई शेयर करना चाहेंगे? नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी भैया बहनों को। दीदी, मान्यता और संस्कार दोनों कैसे अलग हैं? थोड़ा सा इस पर मुझे कंफ्यूजन है दीदी। जी, एक तरह से सिमिलर ही मान सकते हैं। हमने कुछ माना है ना। अभी जैसे सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी जैसे कोई एक व्यक्ति, या मैं ट्रेन में गई सपोज, ट्रेन में मैंने अपना सामान रखा था, किसी ने मेरा सामान उठा लिया, ठीक है। अब जी मुझे दीदी, ये, मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि लोग तो ना चीट करते हैं, लोग तो
उनसे ना सावधान होके रहना चाहिए, है ना। जी इसको जब मैंने मान लिया, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन मैंने इसको सबके लिए जनरलाइज कर दिया, है ना। अब ये मेरा संस्कार बन गया शक करने का, ठीक है, जी क्योंकि अब ट्रेन नहीं है, कहीं और हूं मैं, किसी और ना सभा में हूं, कहीं बहुत से व्यक्ति हैं, लेकिन मेरे अंदर वो संस्कार बना हुआ है। मैंने ये जनरलाइजेशन सबके लिए लगा दिया और हर जगह मैं वो शक करने बैठ जाती हूँ। कहीं भी गए तो किसी ने कुछ जरा सा भी कह दिया तो मुझे शक होने लगता है कि जी कहीं ये व्यक्ति कुछ मेरे लिए गड़बड़ तो नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? जी दीदी जी या इसी तरह होता है कि जैसे मैं ऑफिस में या ना कॉलेज में या कहीं मैंने देखा कि जो झाड़ू लगा रहा था पर्सन, वो ठीक से नहीं लगा रहा है ना, तो जी मैंने प्यार से बोला एक दो बार, उसने नहीं सुना, फिर मैंने डांट के बोला जोर से, जी तो वो जल्दी जल्दी वो झाड़ू लगा के चला गया। अब मैंने जी क्या मान लिया कि डांट करने से ही काम होता है, नहीं तो कोई काम नहीं करता। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मैं डांट के बोलने लगी सबको कि जी काम करो वीर, मतलब काम लेना है तो डांटना पड़ेगा, ये मैंने जी मान लिया। अब दीदी वो धीरे धीरे करते करते मेरा संस्कार बन गया, है ना। जी मान्यता लंबे समय तक रहती है, वो मेरा संस्कार बन जाता है। जी दीदी धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे से आपने बता दिया, मैं बहुत कंफ्यूज करता था इस पर। जी जी, धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद, फिर मेरा नमस्ते ऐसा दीदी। संस्कार बन गया गुस्से का। तो पहले तो सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था कि ऑफिस में मेरे को काम लेना है तो गुस्सा करना पड़ेगा। अब जब मेरा संस्कार बन गया तो मैं घर पर भी, बच्चों के साथ भी, हर किसी के साथ गुस्से से पेश आने लगी। वो मेरा संस्कार बन गया, मुझे दिख ही नहीं रहा, है ना। हैबिचुअल हो गया मैं जी, जी संस्कार। जी दीदी जी दीदी धन्यवाद दीदी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते दीदी, सबको नमस्ते। दीदी, अगर कोई ऐसा संस्कार बन जाए तो हम उसको कैसे ठीक कर पाए कि जो बनी हुई संस्कार है वो एक तरह से मान्यता ही थी जो संस्कार में कन्वर्ट बन गई, तो मैं उसको ठीक कर पाऊँ, अब मैं उसके साथ सही से पेश आ पाऊँ, इसके लिए दीदी कुछ बताएं आप। जी देखिए, यही यही प्रयास हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम सजग हो जाएं, नहीं तो हमें ये दिखेगा ही नहीं कि मेरी ये मान्यता है या संस्कार बना हुआ है ना। तो सबसे पहले तो हम ये सजग हो जाएं कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। और ये जो स्टेप 5 का प्रोसेस है जिस पे हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस पर हम ये एक्सरसाइज डेली जो कर रहे हैं उसको देखें, अपने अंदर जो चल रहा है, और जो भी हम संवेदना पढ़ रहे हैं उसको देखें कि हम कैसे अर्थ दे रहे हैं। वो अर्थ देने की बात जब आएगी कि मैंने ऐसा क्यों समझा, तो धीरे धीरे अपने अंदर दिखेगा कि मैंने कुछ माना हुआ है इस ऐसे पर्सन के बारे में, या जो भी घटना घटी उसके तहत हमको, हमारा ध्यान उस पर जाएगा तो दिखेगा हमने कुछ तो अर्थ दिया है। वो अर्थ कैसे दिया है जब हम उस पर देखने जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमको ढूंढ ढूंढ के ढूंढना है कि ये मान्यता कैसे बनी, वो नहीं मैं कह रही। मैं कह रही हूँ हम ये देखें कि कुछ तो हमने अर्थ दिया है, जो भी हमने अर्थ दिया है अपनी सहज स्वीकृति से मिला के देखें। जो मैंने अर्थ दिया है वो सहज स्वीकृति के लाइन में है या उससे कुछ और है। भाई अल्टीमेटली मुझे तो सही संस्कार बनाने हैं ना। तो जब भी मेरा ध्यान जाए कि ना मेरा भाव बिगड़ा, स्पेशली जब भाव बिगड़ा तो ध्यान जाए कि मैंने कुछ अर्थ दिया था ऑलरेडी, है ना, मैंने कुछ मान रखा था, कुछ मेरा संस्कार बना हुआ था उसको, उसके साथ ही मैंने अर्थ दिया इस घटना को, ठीक है।
और जब ऐसा हुआ तो मेरा भाव बिगड़ा, तो मैं देखने जाऊंगी कि ये क्या अर्थ दिया मैंने, इसके पीछे मैंने क्या मान रखा था। जो भी माना था वो मेरी सहज स्वीकृति के लाइन में है या नहीं है, जैसे कि किसी ने चिल्ला के कहा कुछ, है ना। अब मैंने उसको अर्थ दिया कि ये मेरे ऊपर चिल्ला रहा है ना, तो मुझे लगा मुझे अपने आप को डिफेंड करना है। मैं तुरंत विरोध में आ गई, ठीक है ये बात, तो मुझे ठीक है दिखेगा कि मैं तो विरोध में आ गई, मुझे लग रहा है मेरे दुख का कारण वो है जिसने मेरे ऊपर चिल्लाया। लेकिन उस पर ध्यान जाएगा तो मैंने उसको ये अर्थ दिया कि दूसरा मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, या मुझे परेशान कर रहा है, या मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये अर्थ मैं दे रही हूं। अगर इसको देखने जाएं तो मेरी सहज स्वीकृति क्या है, मेरी सहज स्वीकृति संबंध की है। वहां से मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि मैंने अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान दिया तो मुझे दिखा कि मेरी सहज स्वीकृति तो हमेशा ही संबंध के लिए है, संबंध के लिए है, व्यवस्था के लिए है, सह अस्तित्व के लिए है। तो संबंध के लिए मेरी सहज स्वीकृति है, इसलिए फिर मैंने अपने अंदर संबंध का भाव लाया। मेरी सहज स्वीकृति पहले भी सही थी, वैसी ही थी, अभी भी वैसी है। बाहर जो घटना घट रही है उससे मैं प्रभावित ना होके अपनी सहज स्वीकृति पे ध्यान दूं, तो फिर मुझे दिखेगा कि मेरे अंदर संबंध की ही सहज स्वीकृति है। तो मैं अपने अंदर संबंध का भाव रखूंगी, और संबंध का भाव रखते हुए जब मैं दूसरे के साथ अपना संबंध देख पाऊंगी तो मुझे दिखेगा कि इनफैक्ट दूसरा तभी चिल्लाता है जब वो खुद परेशान होता है, जब वो कोप अप नहीं कर पा रहा होता। जो हम एग्जाम्पल लेते हैं ना, माँ कब अपने बच्चे को पीटती है, जब आराम में होती है, जब परेशान होती है कि नहीं। तो दिखेगा कि वही परेशान है, मैंने ही ये अर्थ दे दिया कि वो मुझे परेशान कर रहा है, इनफैक्ट वो खुद ही परेशान है, वही विक्टिम है। जब मैं स्थिर हूं, मेरे अंदर भाव सही है, मैं आराम में हूं, तब मैं ये देख पाती हूँ, फिर मैं दूसरे की भी सहायता कर पाती हूँ, ठीक है। ये तो जी अल्टीमेटली बहुत सहज अच्छा। स्वीकृति पे हमें ध्यान देना है, अपनी सहज स्वीकृति को रेफर करते रहना है, ठीक है। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत अच्छे से बताया। जी ठीक है, अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, लेकिन हम नहीं, टाइम तो नहीं, अभी 15 मिनट हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा अपने अंदर अभी ये प्रोसेस को देखेंगे 5 मिनट्स के लिए, और फिर और शेयरिंग लेंगे। तो 5 मिनट के लिए ये पूरे प्रोसेस में संवेदना को हम कैसे पढ़ते हैं, क्या अर्थ देते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इस सब प्रोसेस को थोड़ा अलग-अलग करके देखें, फिर हम 5 मिनट में आपके फाइंडिंग्स, आपके ऑब्जर्वेशंस ले सकेंगे। तो अभी मैं म्यूट कर देती हूँ, ठीक है। टाइम 5 मिनट हो गए, आशा है आप लोग इसको अपने अंदर देख पाए, इस स्टेप को ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं अभी। जी दीदी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, संवेदना को अर्थ देने के इसी इसमें एक छोटा सा शेयरिंग था। मतलब याद आया, हम लोग ट्रेन से वापस आ रहे थे कानपुर से, और करीब रात का 1 बजा था। तो एक पैसेंजर हमारे एसी कंपार्टमेंट के बाहर से, वो बार बार अंदर आ रहा है जा रहा है, जा आ रहा है जा रहा है, 2-3 बार ऐसा वो हो रहा था। तो कुछ मैं भी 1 बजे शायद मुलताई या आमला कुछ होगा, मैं भी उस वक्त उठा उठा था कहीं बाथरूम जाने के लिए। तो कुछ पैसेंजर्स का ऐसा कहना था, ये कोई मतलब टिकट नहीं है, इसके पास ऐसे ही आ रहा है, कोई सामान तो नहीं चुराएगा, तो टीसी को आवाज दिया। मैंने भी उसको देखा 1-2 बार आते जाते, ऐसे देहाती सा व्यक्ति था। तो कंपार्टमेंट के बाकी लोगों ने ऐसा सोचा कि ये व्यक्ति शायद कोई मतलब चोर वगैरह होगा, या फिर कोई बैग उठा के ना ले जाए, तो वो किसी को बुला लिया उन्होंने। और वो मैंने एक इतना कहते सुना उसको कि मेरा
25 नंबर या 15 नंबर बर्थ था, और वहां मेरा बैग था, वो बैग दिख नहीं रहा है मुझे, और वो बैग में नहीं दिख रहा है 25 है कि उसको B5 है कि B4 है, वो भी याद नहीं आ रहा है। मतलब वो बाथरूम से निकला, वो लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, वो चक्कर में वो परेशान था, वो थोड़ा सा देहाती सा था, और ये लोग उसके ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। तो उसको वो लाल बैग वहां रखा था ऐसा बोल रहा है, और वहां बैग था नहीं, 15 नंबर भी देखा, 25 नंबर भी देखा। फिर मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ये देहाती सा व्यक्ति है, डर गया है, तो हो सकता है वो सच भी बोल रहा होगा, तो उसको वो चिसी आ गया, उसको पुलिस में देने वाला, एक बार पूछ तो लेंगे। 15 नंबर और 25 नंबर दोनों जगह हमने लाइट जला के देखा, तो उसने पड़ोस के किसी साथी को पहचान लिया, और वो वहां का उसका लाल लाल बैग जो था वो किसी ने उठा के वो दूसरी तरफ रख दिया था, कोई उतर गया होगा, तो उसको लाल बैग नहीं दिख रहा, तो उसको अपना बर्थ रिकॉग्नाइज करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और तब पता चला कि वो, उसके पास टिकट भी नहीं था, उसका कोई साथी दूसरी जगह था, तो वो कंफर्म था कि वही था, बट उसको बता नहीं पा रहा था, और उसने ये समझ लिया था कि मेरा लाल बैग जहाँ रखा है वो मेरा बर्थ है, और वो लाल बैग किसी ने वहां से उठा लिया उतरते वक्त, और बाकी लोग ये समझ रहे कि ये आना जाना कर रहा है, ये हो सकता है थोड़ा मतलब गड़बड़ वाला व्यक्ति हो। और मेरे साथ में ऐसा किस्सा एक बार हुआ था, तो मुझे पता था कि अपना बैग अगर किसी ने उठा लिया, और फिर हम अगर फिर लाइट जला के हम आजू बाजू के लोगों को देख के भी अपना बर्थ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब तो एक ही चीज को हम लोग रिकॉग्नाइज करने के लिए किसी दूसरे चीज से उसको जो कनेक्ट करते हैं वो हर वक्त सही नहीं होता है। मतलब उसको इस तरह की बात थी दीदी। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट देखो ना, हम क्या अर्थ देते हैं वो बहुत जल्दी से हम बहुत सारी चीजों को असेस कर लेते हैं। अभी उसके कपड़े एक तरह के थे, हमने एक अर्थ दिया। अगर वो वेल ड्रेस्ड होता, अच्छा सूट वूट पहना होता, तो शायद हम कुछ और अर्थ देते, है ना? हाँ हाँ जी फिर हमारे अंदर कुछ और चलता, फिर हम चोर उचक्का नहीं सोचते उसको, है ना? तो हमने ऐसा माना हुआ है कि जो एक व्यक्ति एक प्रकार के कपड़े पहनता है वो इस तरह का होता है, दूसरा व्यक्ति इस तरह के जो कपड़े पहनता है वो दूसरे तरह का होता है ना? बहुत सारी बातें इसमें जुड़ी हुई रहती हैं। बहुत अच्छा, जी जी नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, और कोई शेयरिंग या कोई प्रश्न, ऑब्जर्वेशन? नमस्ते दीदी। नमस्ते जी, दीदी मेरी आवाज आ रही है आ रही है, क्लियर है। जी? दीदी जैसे भैया ने शेयरिंग रखी कि संवेदना को किस तरीके से हम अर्थ देते हैं, मैंने भी दीदी अपने आसपास इस चीज को महसूस किया कि जैसे हम टीवी देख रहे हैं या मूवी देखते हैं तो उसका भी हमारे ऊपर बहुत असर होता है। जैसे पहले के समय में और अभी में मुझे एक चेंज देख पाई कुछ वर्षों में कि अगर गार्डन में बच्चा खेलता था तो माँ बाप निश्चिंत होते थे। जैसे मैं अपनी भी बात करूँ तो हम अगर खेलने जाते थे तो इतना चिंता नहीं करते थे, और आजकल बहुत चिंता करते हैं बच्चों की। तो वहाँ भी वही है कि हम संवेदना को अर्थ दे रहे हैं। तो अगर कोई दो परिवार भी गार्डन में है तो वो एक दूसरे पर भी एक मतलब अविश्वास के भाव में होते हैं। अगर वो अनजान है, उनको लगता है ये स्ट्रेंजर है तो ये हो सकता है बच्चा चुराने वाला हो या उसको कुछ तकलीफ देने वाला हो। कई बार तो मैंने देखा कि कुछ पेरेंट सेफ्टी के लिए अपने पर्स में कुछ चीजें भी रखते हैं, तो अगर कोई दूसरा देखता है तो वो भी इस बात से मतलब डाउट में आ जाता है कि इसके पास ये सामान है तो ये कहीं गलत व्यक्ति तो नहीं है। तो इस तरीके की बहुत सारी गलत फहमियां क्रिएट होती हैं, और इन गलत फहमियों की वजह से भाव भी गलत बनते हैं। ये बात मैं मतलब कई जगह पे मतलब 5-6 जगह मैंने महसूस किया दीदी, ठीक ये बात बात है। रखना। अभी क्या हो रहा है ना कि मीडिया में भी बाहर भी, हम अगर अखबार खोल के पढ़ें तो फर्स्ट पेज पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी कि किसने किसी को मार काट दिया, किसने किसी की चोरी कर दी। कुछ जी अच्छा हुआ वो बातें हम शेयर नहीं करते हैं न्यूज़पेपर में, है ना? बहुत कम, हेडलाइंस के जी तौर पर तो नहीं, है ना? फिर हम ट्रेन में बैठे तो वो अनाउंसमेंट हुआ कि कोई भी अगर कुछ दे तो आप ना लें,
किसी को सामान हो तो ना उठाएं, ये सब ना, उसमें बॉम्ब हो सकता है। अभी इससे हम क्या कर रहे हैं, हम सबका ऐसा संस्कार बनाते जा रहे हैं शक का, है ना। तो फिर हम शुरुआत ही किसी के साथ विरोध के भाव से करेंगे और उसके प्रति सजग भी नहीं होंगे तो कैसे सुधरेंगे, है ना। तो इसलिए हाँ हमारा दीदी, ध्यान और जाए परिवार में अपना उलझ अंदर जाए जी, जाए। परिवार सर यहाँ से में, संबंध में, इसमें भी भाव चेंज हो रहे हैं। मतलब जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, मतलब मूवीज और टीवी शोज के थ्रू, तो हम परिवार में भी भाव में बदलाव देख पा रहे हैं। इसी वजह से, मतलब जो भाव कभी सोचे भी नहीं होंगे, भाई भाई के प्रति, भाई बहन के प्रति, माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति, तो वो भी एक नए भाव क्रिएट हो रहे हैं, डर के, शंका के, इन सब चीजों के। जी इसीलिए हमको अपने प्रति कम से कम सजग हो जाना है, ताकि हम तो अपने जी अंदर सही भाव लाएं, सही अर्थ दें चीजों को, है ना। देखें कि सहअस्तित्व में ऐसा पैटर्न नहीं है, ये हमने अपनी मान्यतावश ऐसा बना लिया अपने लिए, तो हम ही विरोध में पूरा टाइम घूमेंगे तो हम ही दुखी हो रहे हैं, है ना। बढ़िया, और दीदी, बच्चा इतना मतलब क्लियर है इन चीजों को लेके, तो बच्चा हाँ विश्वास के भाव में होता है सभी के प्रति, तो हम उसको ठीक सिखा रहे हैं क्या विश्वास बात करो ठीक बात ठीक है, थैंक यू, नमस्ते। अच्छा अभी समय हो गया है, तो ये जो चारों स्रोत थे जहां से संवेदना आ रही है, इस पर आज पूरा दिन हम ध्यान देंगे और देखेंगे कि जब कोई भी संवेदना को हम पढ़ते हैं तो हम कैसे उसको अर्थ दे रहे हैं, ये समझ पर आधारित है या बिना समझे ना, बिना जाने कुछ माना हुआ है इसके तहत हमने अर्थ दिया है, और फिर इससे क्या पूरा प्रोसेस अपने अंदर चल रहा है उस पर ध्यान देंगे और कल इस पर और बात करेंगे। अभी यहाँ रोकते हैं। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद, सभी को नमस्ते।